सलाम। सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करने, लाइक करने, कमेंट करने, शेयर करने, पैटर्न बनने, घंटी का बजन दबाने, इंस्ट्रक्शंस देनी है। गला बैठ जाएगा। हाँ जी, आपने सारी अपनी बात कर ली, समझ आ गई आप लोगों को। चले चलते हैं खबरों की तरफ। खबर पहली ये है कि हम लोगों ने बड़ी दफा ये कवर किया हुआ है और अब प्रॉपर मंजूरी दे दी गई है एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की, जिसमें सारा का सारा खान वादा जेड़ा है वो M2 से जाके मिलाना है। और इस बेचारे का बहुत बुरा हाल है उन्होंने, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एनजीए जो अली के घर है उत्तों जरा ना उन्होंने लेके जाना है सड़क न, और उसके साथ उन्होंने ट्रांसप्लांट जिसे दरख्त ट्रांसफर होते ना मशीन, वो 10 मशीनें उन्होंने मंगवा दी है कि जिन्हें कट्टे जाने ने ना वो उसको काटेंगे नहीं, वो उसको उखाड़ के तो वो दरख्त कहीं और पहुंचा देंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं यार? वो आज वो बल्कि फिजा सजाद की एक ट्वीट आई हुई थी और उसमें वो था कि हुकूमत का जो अपना एस्टिमेट है ना वो ये है कि इससे डेली 30,000 से 35,000 गाड़ियों का फायदा होगा, गाड़ी वालों का। अच्छा। इसके लिए ये 60 बिलियन खर्च है। ओके। पर आप खुद इस अंदाजा लगा ले कि जो है ना अली तो आप कहीं नहीं जा सकेगा, अली के पास मुझे ही पहुंचना पड़ेगा, बिकॉज अली गांड बॉय है। आई थिंक मैं तो खुद नहीं। वो हाँ, मसला वही वाला है कि मैं घर वालों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको किराए पे दे के हम कहीं और किराए पे चले जाते हैं 2 साल के लिए, उसके बाद वापस आ जाएंगे। सही बात है। हाँ, बाकी उधर आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। हाँ, तो बिल्कुल खामोशी, ना बंदा ना बंदे की जात, कुछ भी नहीं है वहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ। अच्छा, खैर, ये इसी के साथ मैं आपको ये भी बताती चाहूँगी कि गद्दाफी स्टेडियम के पास, जो कि मुझे लगता है कि अच्छा आइडिया है, कि 5-स्टार होटल वो बनाने लगे हैं। मे बी अगर वो बन जाए और ज़रा जल्दी बन जाए तो नेक्स्ट ईयर जो है वहीं पे प्लेयर्स रखें, वहीं से कड़ी मुड़ी इधरों उधर उधरों इधरों उधरों इधर उधर, बजाय इसके कि आप माल रोड से जो है वो प्लेयर्स को लेकर आ रहे हैं और वो सारा कुछ। मे बी थोड़ी आसानी नहीं हो जाएगी? हाँ, थोड़ी सी आसानी। देखिए, अगर मसला अगर आसानी पैदा करना हो तो उसके तो बहुत सारे तरीके हैं। नहीं, तो हम क्यों ज्यादा सोचें जब हम होटल बना सकते हैं। हाँ, नहीं, बड़ी अच्छी बात है होटल बनाया, लेकिन वो तो पीसी से को हेलीकॉप्टर पे भी लाया जा सकता था प्लेयर्स को। फ्यूल 55 रुपए लीटर 55 रुपए किलोमीटर पड़ता है, वो तो हमें पता है, वो तो बात। वो तो फवाद चौधरी ने बताया था पूरा मैच। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये फिर वही बात है, ये कहाँ, मतलब वो कौन सी लोकेशन है? LCC का ग्राउंड खत्म करके उधर होटल तो नहीं चुकने लगा यार? तीसरा ये कि वो, अच्छा मुझे ना इसे पता नहीं है, लेकिन वो जो कतर में होना है वो फीफा वर्ल्ड कप, अभी वैसे उसमें थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं। अच्छा, तो उसमें वो कोई इस किस्म की उन्होंने बात की थी, जो कि मुझे नहीं समझ आई, लेकिन उन्होंने इस किस्म की बात की थी कि हम स्टेडियम्स बना रहे हैं जो कि आप ना पुट के कहीं और भी लेके जा सकोगे बाद में। उनके पास भी ट्रांसप्लांट बनाने लगा है क्या? कुछ इस किस्म का था। आई एम रियली सॉरी अगर मैं गलत कोट कर रहा हूँ, तो वो था कि उनसे एक स्टेडियम ही ले ना, तो शहर से बाहर का स्टेडियम डाल दें और उसके साथ फिर होटल बना दें, ताकि बिल्कुल ही सुकून हो जाए। जिस तरह इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है ना, मुझे इस लिहाज से बहुत पसंद, रोते बहुत है लोग, 1.5 घंटे की ड्राइव है, शहर में नहीं घुसा जाता, बट वो कोने में बनाया हुआ है, सुकून से आप उतरो, कोई रोला रप्पा, कोई कुछ नहीं। अभी देखो ना, अब जब ऑस्ट्रेलिया आ रही है तो लाहौर में सिर्फ एक टेस्ट है और ज्यादा मैचेस उन्होंने पिंडी में रखे हैं, जो कि बहुत जबरदस्त इन्होंने सोचा है। और उसकी वजह ये नहीं, अब जाहिर है हमारे पिंडी वाले भी देख रहे होंगे दोस्त, और वो कह रहे होंगे कि कुत्तो तुम्हें हमारा ख्याल नहीं, तुझे जानता शौक नहीं। हाँ, exactly. हाँ, कि पिंडी वालों का कमाल ये है कि ये स्टेडियम ना भर देते हैं। बिल्कुल, मतलब लाहौरियों का तो ये हालत है। मैं खैर बहुत ही मुतासर हुआ हूँ पिछले 3 दिन में PSL से, बाहर आए ने, ये तो पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच खाली स्टैंड, मुझे तो सुकून था कि नकारा से प्लेयर्स आएंगे और फिर हम 10 सालों बाद देंगे, वो जब आए थे ना हमने पूरी सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया था। नहीं देखिए, ये तो अच्छी बात है कि वो सारे आ रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब एड महंगा बिकेगा। अच्छा। स्टार्स की वजह से पैसे ज्यादा होते हैं, ये तो जबरदस्त बात है। दूसरा जो है ना, जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि पिच कैसी बनानी है। उसकी वजह ये है कि अगर पिच बना देंगे बॉलर फ्रेंडली
तो हमारे बैट्समैन आउट हो जाएंगे, और अगर पिच बना देंगे बैटिंग फ्रेंडली तो वो बहुत ज्यादा मारेंगे। तो इसका जो इलाज है ना वो है दुबई। दुबई पिच स्लो एंड लो, स्लो एंड लो बनाए और चारों एंड से स्पिनर छोड़ दे। यार ज़फ़र बहुत स्पिनर है ना, पता नहीं मैं ऐसा में ना मैं हो गया हूँ खलीफा। अच्छा हाँ, अब ना मैं मैच मूच नहीं देखता, अब बस ना मैं सूं के बता देता हूँ कि क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। मुजफ्फर कुमार तो अगर तो स्पिनर है ना, खुदा का वास्ते उसको खिलाए। मुझे लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी उसको ज्यादा चांसेस नहीं दिए, एंड ही इज गोइंग टू बी टेकन अप बाय अदर फ्रेंचाइजेस लाइक अपसेट। खैर अच्छा, दूसरी खबर, तीसरी खबर ये है कि एलिवेटेड एक्सप्रेस का तो हो गया। आप सबने बोर्ड के एग्जाम्स लिए होंगे, ओ लेवल्स वालों को मैं नहीं इसके अंदर लाना चाह रही हूँ, लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम्स देते रहे हैं उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा आदमी था कि तुम 100 जो 101 नंबर भी ले लो, अगर ना तुम तब तक पास नहीं हो सकते जब तक तुम प्रैक्टिकल नहीं करोगे। तो प्रैक्टिकल होता सी वो चवल क्या होता था यार, वो ओस्मोसिस के वो अंडे की जर्दी के अंदर से नहीं, वो जो सफेदी होती है उसके अंदर पानी गया है कि नहीं, और फिर वो आपके सामने डड्डू ला देते थे जो हाफ लाए होता था। मेरा डड्डू जाग गया था जब मैं उसको करने लगी ना, वो उठ गया। मैं इतना रोई, इतना चिल्लाई, मैं कहा मैं तो नहीं इसका हाल दिया वो गंदा कॉकरोच। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि शायद 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 दे आर गोइंग टू एंड द प्रैक्टिकल, लेकिन इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। हाँ वो असल में मसला वही है ना कि वो जो लोग घरों से बैठ के पढ़ रहे हैं, तो घरों से बैठ के बाकी सारा कुछ तो हो रहा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा। हाँ, हाँ। तो अब अगर वो प्रैक्टिकल बच्चों ने नहीं किया होगा तो वो इम्तिहान देने जाएंगे तो वो फेल हो जाएंगे। तो उसके वो दो ही तरीके हो सकते हैं, एक तो ये है कि बच्चा जितना मर्जी बुरा प्रैक्टिकल करे उसको पास कर दो, और दूसरा तरीका ये है कि प्रैक्टिकल ही खत्म कर दिया जाए। दिखाना शुरू कर देते थे और इतनी वो गलीज टांगे है ना सारी, मतलब उसके अंदर से वो ना वाइट वाइट भी कुछ नहीं करता था। अच्छा शुभ स्टॉप यार, ये बता जो लोग हाँ डड्डू की टांगों को कुछ नहीं करना, क्योंकि ना मेरी ना बिल्कुल वही शेप है कि यहाँ से मैं मोटा हूँ, नीचे से ना बिल्कुल बारीक टांगे बिल्कुल चलता फिरता ना डड्डू फील आती है मेरे में से। दूसरा ये कि जो आपने बात की है ना कि डड्डू जाग गया था, तो डड्डू का आपका जो एनेस्थीसियस था ना वो सही नहीं था। हमें याद आया कि इस वक्त जो है मैं आपको खबर पढ़ के सुनाती हूँ कि मेयो हॉस्पिटल ऑपरेशन से पहले मरीजों को बेहोश करने वाले माहिर जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी हो गई है, और मामला जो है वो जूनियर्स के रहम करम पर है। मैं उनको वैसे डाउट नहीं करी। सीनियर रजिस्ट्रार की 15, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की 16 सीटें खाली हैं। ज्वाइनिंग के बजाय भर्ती का सारा अमल बंद हो चुका है। अली भर्ती का सारा अमल जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी बंद हो चुका है। देयर आर लॉट ऑफ वैकेंट स्पॉट्स। मुझे समझ नहीं आ रही हायर क्यों नहीं करते। हाँ और दूसरे ये कि मतलब हम फ्री हैं आजकल, अगर हायर करना है तो बेहोश तो आप कर ही देंगे, वापस लाना हमारा काम नहीं है। हाँ किसी को बेहोश, वैसे मुझे लगता है अनकरीब जो बंदा नहीं था वो जो लिफ्ट बॉय था जिसने जाके सर्जरियां करनी शुरू कर दी थी, इस तरह कोई आके कहेगा जाओ आओ फिर मैं बेहोश कर आया हूँ। ठीक है बंदा देख के सीखता ना। और कभी खुदा ना खास्ता आपको सर्जरी की जरूरत पेश आ जाए, तो मतलब वो जो एक वाहिद आदमी है जिंदगी में जिससे आपने कभी झूठ नहीं बोलना वो आपका एनेस्थीसियस्ट है। उसकी वजह ये है कि अगर आपने उसको, और कोशिश करें कि अगर आपके घर वाले, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा होता है ना कि घर वाले हर वक्त कोई ना हाथ पकड़ के साथ मरीज के तो कारण एक मिनट में कमरे तो बाहर जाओ उनको कमरे से भेज के आप एनेस्थीसियस्ट को बताएं कि आप क्या कुछ पार्टी में करते रहे हैं और सुबह कितने कितने बजे तक जाग के आपका थ्रेश होल्ड क्या है, ये सारा कुछ बताएं। उसकी वजह ये है कि जो लोग छुपा जाते हैं ना वो कई दफा फिर ऑपरेशन के दरमियान में जाग जाते हैं, जो हाँ जो कि फिर बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। वो वैसे तो खैर अच्छे अस्पतालों में तो मतलब भाई अच्छे अस्पताल, मेरे कहने का मतलब है कि महंगे अस्पतालों में तो सर्जरी के दौरान एनेस्थीसियस्ट मौजूद रहता है और आपको वो बीच में कुछ मसला हो जाए तो वो इंटरवीन कर लेता है। लेकिन अब जिस तरह ये हमें पता लग रहा है कि शायद मौके पे हर ऑपरेशन के दौरान मौजूद ही ना हो तो ये मसला हो सकता है, तो वो उस तकलीफ से तो नहीं ना आप गुजरना चाहेंगे। हाँ तो आप इसलिए ना उसको बस बाकी सब से झूठ बोल ले, एनेस्थीसियस से कभी झूठ नहीं बोलना, बता दीजिएगा कि ना मेरा हाल है। अच्छा तो ये जो है ना थोड़ी सी ये
लेंथी बात हो जाएगी. उसमें ये था कि पिछले जो दौरे हुकूमत के अंदर शहर खामोशा का जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर कब्रिस्तान बनाने थे उन्होंने, और वहाँ पे पूरी सर्विसेज साथ प्रोवाइड करनी थी कि तदफीन की, गुस्ल की, और वो सारा कुछ जो था. और वो उसमें आप प्री बुकिंग भी करा सकते थे कि मरते जाने बंदे ने प्री बुकिंग करा लो तो सी. तो वो प्रोजेक्ट जो है सारे कब्रिस्तान जो है लाहौर के वो उनके उस प्रोजेक्ट के अंडर उन्होंने वो कर दिए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप. एंड सेकेंडली मैंने ये भी सुबह पढ़ा, मुझे इलाका शायद याद नहीं, लेकिन सब्जाजार में 23 एकड़ के इलाके के ऊपर जो है वो कब्रिस्तान बना रहे हैं. ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कब्रें नहीं मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो इट इज़ अ गुड न्यूज़. लेकिन फिर मुझे अली ने बहुत प्यारा सा प्रोजेक्ट बताया. अली आप डिटेल्स बताएं. हाँ, मेरा ना ये कारोबार करने का बड़ा दिल है, मतलब फिर भी बात है ये मकसद शायद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है. एक तीर से दो शिकार हैं कि पैसे भी कमाए जाएं और साथ में वो भी हो जाए. वो ये है कि एक को 2 एकड़ की जगह ली जाए और जिसका भी कोई लव्ड वन को फौत होता है तो उसको कहा जाए कि आप यहाँ पर आकर दफनाएं, और वहाँ पर ना कोई सीमेंट स्लैब्स के बगैर बंदे को दफन करके उसके ऊपर आर्जी तौर पे कतबा लगा दिया जाए, और साथ उनका फैमिली का या उस बंदे का मनपसंद जो दरख्त का बूटा है वो आप लगा दें, और जब वो दरख्त बढ़ जाए तो वो कतबा भी हटा दें और उसके ऊपर दरख्त के ऊपर आप उसकी पट्टी लगा दें नाम की, और इसी तरह जब लोग आते जाएँ जिस तरह से तो वो पूरा एक मिवाकी जंगल बन जाए और जिसमें दरख्तों के ऊपर वो नाम हों बंदों के कि कौन किधर नीचे है, और आप बाहर लिख के लगा दें कि गालिब का कि सब कहाँ कुछ लाला और गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिनहा हो गई. हाँ. क्योंकि देखो ना, मसला ये है कि ह्यूमन बॉडी से बेहतर खाद क्या हो सकती है. हाँ. तो आपने बंदा दफनाया है, उसके ऊपर आपने दरख्त लगा दिया है, वो जो आपके जो लव्ड वंस हैं वो कितनी खिदमत कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशंस के लिए, जिथो मैं रह भी आ रहा हूं, वही वाली बात, वो किसी और शक्ल में मौजूद है. एग्जैक्टली वही वाली चीज कि वहीं पे आप इंतजाम कर लें तदफीन वगैरह हर चीज का आपका. हाँ, और वहीं से लाइव ट्रांसमिशन इंस्टाग्राम ये वो हर जगह के, वो जो आपके लव्ड वंस हैं जो मुल्क में नहीं है वो भी. हाँ, फिर ये भी है कि क्योंकि वो आपने कांस्टेंट उस जगह की आपने सफाई सुथराई मेंटेनेंस हर तरह से करनी है, क्योंकि कुछ जंगल की एक सूरत इख्तियार करेगा, तो वहाँ पर कैमराज किसी भी वक्त कोई भी अगर वहाँ पे देखना चाहता है तो वो ऑनलाइन करके उसके पास हर बंदे के पास अपनी फैमिली के उसका एक लिंक हो कि वो कभी भी जाए तो उसको वो देख सके, देख वो सके, फातिहा पढ़ सके. हाँ, उसके ऊपर और बिल्कुल. और फिर उसमें वो ये भी है ना कि आप वहीं पे जब आपका सारा इंतजाम होगा, कोई आप शख्स भी वहाँ पे जो मौलवी साहब हैं वो भी इस तरह की रखें कि जो वो आधा सरमन अंग्रेजी में भी करा सकें ताकि हाँ, पूरी दुनिया से वो लोग इन्वॉल्व हो सकें उसके अंदर. और एक मेंटेनेंस चार्ज आप मतलब ज़ाहिर है शुरू का चार्ज लें, मेंटेनेंस चार्ज लें, और वही बात है कि इन्वायरमेंट और हर चीज उससे शायद गाइस जिनको पैसे मैं सोच रही हूँ ना कबर वास्ते कार वाले ने ताड़े नहीं देने खर्चा करानी पड़ी है. गो फंड भी पे डाले इसको. अच्छा. हाँ, और पैसे मुझे ला के दें, मैं एग्जीक्यूशन में करूंगा. अच्छा, वैसे मेरी शक्ल देखकर मुझे कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता, मैं किसी काम की नहीं हूँ. खैर, बट द आइडिया इज रियली ब्यूटीफुल. और मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं पहले मांगी तो पीस सनफ्लावर लगा देना वो सूरज की तरफ डायरेक्शन करके, मुझे बहुत पसंद. नहीं, वो तो फूल है ना, वो तो मैं हाँ दरख्त ताकि वो रहे ना लंबा. हम फल वाला दरख्त लगा सकते. हाँ हाँ बिल्कुल, किन्नु ला दें. ठीक है, चलो. अच्छा, ये खबर बहुत मजेदार है, और ये ना ट्रेंड बहुत ज्यादा होता जा रहा है कि सारे कभी कोई ब्यूटी पार्लर वाले को हर जाने का वो हो रहा है, कभी केस सूट का जा रहा है. तो ये अभी जो करंट केस चल रहा है ना वो ये है हंजरवाल में कि सूट खराब होने जड़ा ना बंदे ने उदे ते टेलर थे सूट और बूट उसने कस्टमाइज वो बनवा रहा था उसके सही नहीं बने, तो उसने जो है शॉप के अगेंस्ट जो है हर्जाना कर दिया है, और वो जो है वो है 2,30,000 का हर्जाना जो है उसने वो दायर कर दिया है, और कोर्ट ने वो एडमिट भी कर लिया है केस, और 12 मार्च की उसको डेट दी है. मैं इस केस को जरूर फॉलो करूंगी. यार से नीश बन दिया, तू वकील बन जा. हाँ, ये देखिए, ये बड़ा अच्छा है. आपको याद है कि हमने ही तो आइडिया दिया था कि इस तरह के केसेस जो हैं वो उनके अगर फौरी तौर पर नतीजे आने शुरू हो जाएं तो लोग और ज़्यादा केसेस जमा कराना शुरू कर देंगे. मतलब वो जो कहते हैं ना कि सिर्फ जस्टिस होना ज़रूरी नहीं है, जस्टिस होता
नजर आना बहुत जरूरी है। तो वो ये जो है ना, मतलब लोगों का जो एतमाद है वो बहाल करने के लिए अदलिया के ऊपर बहुत सख्त जरूरी है कि जब लोग जाएं, मतलब फिर भी बात यहाँ तो होता ही है कि जो दरख्वास्त जमा कराता है ना वो सच्चा है या वो झूठा है उसकी ना फटी लिखी जाती है, उसको इतना बाजार किया जाता है कि जिसकी बात नहीं। हालांकि जो बंदा आ गया है ना दरखास्त देने, उसको तो गलत भी करना पड़े तो कॉम्पनसेट कर दो कि शहजादे तू आया मेरे को काम कराने दे, मैं तेरा काम करा रहा हूं। बिल्कुल, तो अपने इंटेंट तो जाहिर किया करे ना कि ऐसी करना चाह रहे हैं। और फिर बात है ना कि वो जो होते ना बड़े, ये तो हाई प्रोफाइल का केस है, ये तो जी इदारे का केस है, ये तो जी फलाने, मतलब बड़ी जगहों पर पार चलते हैं। अब ये है बड़े सादे सादे, तो जी मैं बैठ लेता सी एक पावा हिल गया, ठीक है। तो वो मैं तो स्विच बोर्ड के पीछे गऊंगी, मेरा इलेक्ट्रिशियन फाइनली साहिबाल से वापस आया, उसे मैंने स्विच बोर्ड ठीक कराना शुरू किया, ना करो तो स्विच बोर्ड ठीक कराना शुरू किया तो वो फिर गलत करके गया, मैंने अब उस पर केस कर देना है। गरीब आदमी 2-3 हजार में छोड़ दूंगी, लेकिन ये कि यार बंदा काम तो ठीक करे ना, मैं टाइम निकाल के बुलाती हूँ। जो नेक्स्ट खबर है वो है फ्रॉडस्टर्स ने जो है सनी लियोनी जो है उसका जो है क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके उनके अकाउंट से पैसे हथियार लिए हैं। कंजरो बंदा तो वेख्या करो फ्रॉड करन तो पहला, मतलब ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पे अटैक हो रहा है इसकी वजह। उसके पास जो पैसे हैं उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। अबे बी डॉल में सोने दी, अबे बी डॉल में सोने दी, ए दुनिया, ए दुनिया पित्तल दी, ए दुनिया पित्तल दी, ए दुनिया पित्तल दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी। क्या बात है, पित्तल से मुझे खबर याद आ गई। वो जो बहावलपुर के नवाब है, आप लोगों को शायद पता नहीं है, उनके ना दादा पर दादा, मतलब काफी पुरानी बात है, उन्होंने ना एक म्यूजिकल फ्रेंच म्यूजिकल बेड बनाया था और उस बेड के चार कोनों पे पित्तल की जो है यूरोपियन कुछ चार खवातीन थी पॉपुलर, उनके स्टैचूज बनाए थे एंड खुद साख्ता उसके अंदर से म्यूजिक बजना शुरू हो जाता आधे घंटे का उस बेड के ऊपर। वो बेड चुरा लिया किसी ने, ये बड़ा अफसोस की बात है, इसको ढूंढना चाहिए। हाँ। ये तो बड़ी एक विंटेज चीज है, लेकिन अब आपने देखा है कि भावलपुर में ना नवाब पैदा होते हैं। मुझे अपना सूबा जो है वो वापस चाहिए। हाँ, पित्तल से मुझे भी एक और चीज याद आ गई, वो ये कि वो थोड़ी देर पहले तुमने देखी थी मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आई थी, वो खाने की टेबल पे एक और बंदे के साथ बैठे हुए और सामने पित्तल का वो उन्होंने जो है ना उसके बाद किसी ने निकाली पुरानी तस्वीरें, तो वो एक दफा पिकनिक पे गए हैं मरियम साहिबा छोटी सी हैं, उसमें भी देजका वही है। वो यार देखे ना, ये होता है कॉनोशोर खाने का, मतलब उसके खाने की उसकी एक मेमोरी होती है, कहा कि उस देजके जरा मजा आता है ना रोटी का, वो किसी और नहीं आता। फिर उन्होंने ये भी सोचा होगा कि अच्छा, हालांकि मियाँ साहब के बारे में मशहूर है, मतलब मैं बड़े मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है कि वो उनके घर पे ना बड़ा एक कटलरी का एक सीन है। अच्छा। कि फलानी चीज फलानी प्लेट में ही सर्व होगी, फलानी चीज फलाने डोंगे में ही सर्व होगी, वो चम्मच ऐसा होगा, मतलब वो बकायदा खाने को जिस तरह बारीकियों में जाते हैं। हाँ, तो हाँ, तो वो उनके वो वाले मामलाते हैं। तो आप सोचे कि वो जो देजके में वो खाना था वो क्या होगा, क्यों कि नहीं जे तू उन्होंने पाया ना देज तेरे ठंडा जो देजके। और मुझे तो ना एक और शक होना शुरू हो गया कि शायद हो सकता है वो बोलते उनको वो, ये बात ठीक भी है कि वो पीतल के बर्तन और उसमें जो है वो सेहत के लिए ज्यादा अच्छे हैं, शायद जायका भी बेहतर होता है। हाँ, तो वो उसको शायद इन्होंने यहाँ से एक बंदा भी वहां पे सेटल करवाया हो कली करने के लिए, बंदा कोई नहीं तू मेरा भरा है कली करने में। क्या बात है यार, मैं मतलब दुनिया में दो ही आदमी है जिनकी जिंदगी एनवीएबल है कि बस इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकेगा, एक सल्लू भाई और एक मियां साहब। बिल्कुल, देखा हम तो दीवाने यहाँ पे दौड़े बैठे हुए।
अच्छा गाइस, लास्ट खबर मैं दे दूं, वो ये है कि देयर इज अ चांस कि पाकिस्तान की पहली जो नेटफ्लिक्स सीरीज जो है वो बनने के खबर आई है कि कंफर्म हो गई है. 3 seasons हैं, पर सीजन 10 episodes है. बाकी हमें इन्फॉर्मेशन कोई खास नहीं पता है, अगर आपको पता होगा. हाँ, जितने लोगों से मैंने पूछा उन्होंने कहा अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बाहर आ लिए खबर आई है. इफ इट्स इन लाइक कुछ ना कुछ चल रहा है तो हो सकता है शायद. आई होप कि इट्स गुड इनफ एंड नॉट जस्ट यू नो आई मीन लव स्टोरी ना बन के आ जाए. एनीवेज गाइस, आज के लिए इतना ही. अब आप हम पता नहीं कब मिलेंगे. जाहिर है कल नहीं, मुझे याद है, मुझे नहीं याद रहता. एनीवेज ओके बाय.